हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी आज की वीडियो का इस अगेन एक लिपस्टिक रिव्यू है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी न्यूली लॉन्च नायका मेटालिक मैटुलास लिक्विड लिपस्टिक्स के ऊपर रिव्यू। मैंने कुछ शेड्स को परचेज किया है आउट ऑफ दीज 8 शेड्स, जिसका मैं आपके साथ जो है डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगी। रेंज से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सारे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो ही जाएंगे। एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले हम इनकी पैकेजिंग देख लेते हैं। गाइस, इनकी जो है फ्रंट साइड पे आप देख सकते हो, सब में जो है इस तरह के मेटालिक आपको फिनिश में मिलती है। पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस पे इनका नेम लिखा होता है एंड इस तरह का माइक भी बना हुआ है, बिकॉज ये काफी सारे सिंगर्स के ऊपर जो है इन्होंने थीम रखी है। एंड इसके बैक साइड पे गाइस इस तरह से दिखता है, इस पे लिखा हुआ है कि इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, कि किस प्रूफ है, लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। इसमें अगेन वही सारी चीजें लिखी है जो नायका के प्रोडक्ट में होता है। इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी है, इसमें क्वांटिटी मेंशन है एंड इसके बाकी कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट्स इट। इसके टॉप साइड पे जो है आपको नेम दिख जाता है। ऐसे आप लोगों ने भी इसकी पैकेजिंग देख ली होगी, लिपस्टिक्स की काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही यूनिक लगती है। जस्ट लाइक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम नायका, इनकी पैकेजिंग पे काफी फोकस किया जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। हम गाइज इनके एप्लीकेटर की बात करते हैं। दे कम विद दिस सॉर्ट ऑफ यू नो एप्लीकेटर, जो कि सेम है उनकी मेटुलास लिक्विड लिपस्टिक से ही, डो फुट एप्लीकेटर कहते हैं इसे। एंड काफी ईजी होता है इसे अप्लाई करना आपके लिए प्रोडक्ट को। जो पैकेजिंग है काफी हद तक जो नायका जो ग्लॉसेज आई थी बिल्कुल वैसी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है। ग्रेडियंट इफेक्ट है, यू गाइज कैन सी हर ही जो है लिपस्टिक शेड के जो है थोड़े डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, तो कि जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं गाइस। ये जो है काफी एक्सपेंसिव है, ये आपको 699 के अराउंड जो है लिपस्टिक्स मिलती है। नेट क्वांटिटी यू विल बी गेटिंग इज अगेन 5 ml। आर वेरी वेरी मैट इन फिनिश बट काफी कंफर्टेबल, जस्ट लाइक ईच एंड एवरी मैट लिपस्टिक्स फ्रॉम नायका काफी कंफर्टेबल है। बट इनमें आपको मेटालिक इफेक्ट दिखता है, इनमें बिल्कुल भी ग्लिटर्स नहीं है, चंकी ग्लिटर्स या ग्लिटर्स कह सकते हो ऐसा नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने मेटालिक शीन जो है ऐड किया हुआ इनके हर एक लिप कलर में, विच लुक्स वेरी सुप्रीम एंड ब्यूटीफुल। यू गाइस कैन सी दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ। अगर इसके ऊपर पानी पड़ता है, मैंने हैंड वॉश हो चुके देखा था, तो ये डेफिनेटली अपनी प्लेस पे रहती है। लेकिन इनको रिमूव करना भी बहुत इजी है गाइज। अगर आप थोड़ा सा भी यू नो सोप लेते हो और वाटर लेते हो, आप उसको बाद उसको जो है अगर रब करेंगे तो ये उससे भी जो है हट जाता है। तो इनको रिमूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, विच इज वेरी गुड। ऑल्सो गाइज, अगर आप इसको अपनी स्किन पे भी अप्लाई करते हो तो भी आपको विद इन आई थिंक 10-15 सेकेंड्स में आपको जो है प्रॉपर मैट फिनिश देता है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं लगता है एंड काफी कंफर्टेबल है। मेरे को अपने आईज पे इनको लगाए हुए काफी टाइम हो चुका है, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी, खुद भी देखना चाहूंगी। येस गाइज, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है ऐसे टच करने पर। मैंने अभी इसको ऐसे जो है रब किया है तो भी आप लोग देख सकते हो कुछ ट्रांसफर ज्यादा नहीं हुआ है, हल्का फुल्का कलर आया है मेरे हैंड्स पर। सो ओके गाइस, अब हम जो है स्वॉचेस देख लेते हैं। मैंने प्रोज इन लिपस्टिक्स के साथ देखे हैं वो ये है, सबसे पहली बात गई थी जो है अगर आपको मैट लिपस्टिक्स पसंद है तो ये काफी मैट है एंड आपको अच्छे लगेगा। ये इसका फॉर्मूला, ये जो है बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं देते हैं आपके लिप्स पे, काफी कंफर्टेबल है। लॉन्जिटिविटी मैंने आपको जैसे बताया बहुत अच्छी है, काफी अच्छी स्टेइंग पावर है। सिर्फ कॉर्नर्स और जो अंदर की तरफ होता है लिप्स पे, सिर्फ वहां से लिपस्टिक हटती है अगर आप कुछ खाते भी हो तो, काफी अच्छी इसकी स्टेइंग पावर है। ऑल्सो गाइज, इनकी पिगमेंटेशन डिसेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी लेकिन बुरी भी नहीं है।
इसमें गाइज बिल्कुल भी आपको जो चंकी ग्लिटर्स या ग्लिटर्स होते हैं जो कि थोड़े से चीप लुकिंग लग सकते हैं या फिर उनमें फॉल आउट होता है गाइज, तो उन चीजों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी इजीली अप्लाई हो जाता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स में जो है ये मैट फिनिश दे देता है आपको, मतलब कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। तो आप उसके बाद इसको टच भी करोगे, इसको हल्का फुल्का रब भी करोगे तो भी ये अपनी जगह पर से नहीं हिलने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है गाइज। ऑल्सो इसका एप्लीकेटर काफी कंफर्टेबल है, आप इनर कॉर्नर्स में भी लगा सकते हो आसानी से, कोई इश्यू नहीं होता है। ऑल्सो गाइज ये सारे ही शेड्स जो है, लाइटेस्ट शेड भी है, काफी हद तक पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन वाइज बिल्कुल भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये सारी बात हो गई गाइज इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स की बात जहां तक है गाइज, लगी इसका प्राइस पॉइंट एंड हो सकता है आपको प्रोडक्ट जो है थोड़ा बहुत ड्राइड आउट मिले, तो ये भी इसका मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके अलावा गाइज मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट एज सच नहीं लगा इन लिपस्टिक्स के बारे में। या दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।